अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने बुधवार यानी 21 फरवरी को औपचारिक रूप से अपनी पार्टी मक्कल नीति मय्यम, जिसका अर्थ है जन न्याय केंद्र, को लॉन्च किया। कमल ने इस अवसर पर अपनी पार्टी झंडे को भी लॉन्च किया। सफेद पृष्ठभूमि में इस झंडे में 6 हाथ बने हुए हैं, जिनमें से 3 लाल और 3 सफेद हैं। सभी हाथ एक दूसरे से मिले हुए हैं और इसके बीच में तारे की आकृति है। इसके साथ ही कमल हासन राजनीतिक पार्टी बनाने वाले तमिल फिल्म के एक और अभिनेता बन गए हैं। दक्षिण भारत में आजकल राजनीति का माहौल काफी गरमाया हुआ है। रजनीकांत और कमल हासन राजनीति में उतर चुके हैं और इसी के साथ एक्टर प्रकाश राज भी राजनीति में आने के संकेत दे चुके हैं। दक्षिण भारत में फिल्मी सितारों का राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है। लोगों की दीवानगी सिने कलाकारों के लिए सर चढ़कर बोलती है। बता दें कि पार्टी का नाम और ध्वज को लॉन्च करने के अवसर पर हुई जनसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती भी उपस्थित थे। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।